नमस्कार दोस्तों। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा था कि पिछले साल जैसा लॉन्च हुआ था मोटरोला H20 फ्यूजन, जो कि 21,000 रुपए के आसपास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन था। यह पर मैं ये भी कहूंगा कि जब वो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 21,000 में प्रोबेबली उससे बेटर कोई स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं था। तो जब इस बार मोटरोला H30 फ्यूजन लॉन्च हुआ तो उसमें हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है, इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजुअल चैनल पर नहीं और ऐसी स्मार्टफोन रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते तो गैजुअल चैनल को सबसे करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अच्छा, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे पिछले बार जो फ्यूजन वाला एडिशन वो सिर्फ इंडिया में अवेलेबल था, बाहर के देश में नहीं था। बाहर के देश में मोटरोला का जो वेरिएंट था उसका नाम था मोटरोला H20 और वो स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च हुआ था मोटरोला H20 फ्यूजन नाम से। तो इस बार भी होगा एग्जैक्टली सेम, क्योंकि कुछ हफ्ते के अंदर फॉरेन के कंट्री में लॉन्च होने वाला है मोटरोला H30 2022 वाला एडिशन और वो इंडिया पे मेरे ख्याल से आएगा मोटरोला H30 फ्यूजन नाम से। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं ये जो स्मार्टफोन पीछे से दिखने में एग्जैक्टली ऐसा होगा, मतलब अभी तो ऐसा ही मालूम चल रहा है कि ऐसे आपको दो कलर पे देखने को मिलेगा। तो एक तो होगा ऐसा हल्का सा स्काई ब्लू कलर और दूसरा मेरे ख्याल से ग्रे कलर के ऑप्शन पे आएगा। तो इस स्मार्टफोन का थिकनेस होगा 8.2 मिलीमीटर और इसका वेट होगा 178 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में आपको इसमें मिलेगा 6.5 इंच फुल एचडी प्लस 144 हर्ट्ज 10-bit पोलेट डिस्प्ले, जिसके साथ आपको मिलेगा 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। इसके डिस्प्ले में आपको HDR10+ का सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसके डिस्प्ले में आपको मिलेगा 91% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और इसमें आपको 20:9 एस्पेक्ट रेशियो भी देखने को मिलेगा। तो मतलब मैं ये चीज़ बोल सकते प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो डिस्प्ले वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होने वाला है। प्रोसेसर की अगर बात करें, एक्चुअली इसका मॉडल नंबर मालूम चला है क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें आपको MT6879 वाला प्रोसेसर होगा, जो कि मीडियाटेक की तरफ से आने वाला एक प्रोसेसर है और ये जो मॉडल नंबर वो एक्चुअली Dimensity 920 का मॉडल नंबर है। तो मतलब इधर हम एक चीज़ बोल सकते कि इस मोटरोला H30 फ्यूजन में आपको Dimensity 920 वाला प्रोसेसर मिलेगा। कैमरा में आपको मिलेगा 50/13 और 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और मोटरोला G82 के जैसे ही इसके भी 50 मेगापिक्सल जो सेंसर है उसके साथ आपको OIS का ऑप्शन मिलेगा। ये जो स्मार्टफोन कहा जा रहा है कि मल्टीपल रैम और स्टोरेज वेरियंट पे लॉन्च होगा, जैसे कि 6GB 8GB रैम वेरियंट और उसके साथ 120GB और 256GB स्टोरेज वेरियंट पे लॉन्च होगा। इसका रैम का क्वालिटी है LPDDR4X और इसका मेमोरी का क्वालिटी आइदर होगा UFS 2.2 या फिर मोटरोला का UMCP क्वालिटी का स्टोरेज और उसके साथ मोटरोला के बाकी फोन के जैसा हाइब्रिड कार्ड स्लॉट का ऑप्शन मिलेगा और इसके अलावा मॉडर्न ट्रेंड के जैसे इसमें आपको 4GB तक का वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन मिलेगा। बैटरी अगर बात करें, इसमें मिलेगा 5000mAh बैटरी, उसके साथ 30W का चार्जर और जो कनेक्टिविटी वो होगा USB Type-C। तो इसके बाद आपने से कुछ बाकी फीचर की अगर बात करें तो आपको इसे मिलेगा डुअल स्टेडियो स्पीकर, जिसके साथ आपको मिलेगा डॉल्बी एटमोस का सर्टिफिकेशन, एंड्रॉयड 12 होगा आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5mm जैक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। तो अब जो सबसे मेन चीज़ कब लॉन्च होने वाला है, आप देखिए अभी तक तो ऐसे ही मालूम चला कि इस जून महीने के आखिर पे या फिर जुलाई महीने के आसपास ये जो स्मार्टफोन मोटरोला एज 2022 एडिशन नाम से इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले लॉन्च होगा और मुझे इतना लग रहा है जुलाई मतलब अगस्त महीने के आसपास इंडिया पे स्मार्टफोन लॉन्च होने के सबसे ज़्यादा चांस है। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो अभी तक तो मुझे ऐसे ही मालूम चला है ये स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च होगा 25,000 रुपये के आसपास या फिर एग्जैक्टली 25,000 रुपये पे। तो अभी हर वीडियो में जैसे इस वीडियो में आपको कहूँगा कि क्या जो मोटरोला H30 फ्यूजन ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर दूसरा कोई फ़ोन लेना चाहिए। अब देखिए अगर हम अभी करेंटली 25,000 रुपये के स्मार्टफोन मार्केट को देखेंगे तो मेरे ख्याल से टॉप स्मार्टफोन है Realme 9 Pro Plus। अगर हम उस Realme के फ़ोन के साथ कंपेयर करते डिस्प्ले के मामले में ऑन पेपर ये जो मोटरोला H30 फ्यूजन इसका डिस्प्ले डेफिनेटली बेटर होने वाला है Realme के मुकाबले। प्रोसेसर दोनों पे आपको मिलेगा Dimensity 920। कैमरे के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सेम है ऑन पेपर, लेकिन Realme का स्लाइटली बेटर है क्योंकि उसमें आपको मिलेगा IMX मतलब Sony IMX 766 वाला सेंसर, मतलब कैमरे में स्लाइटली Realme बेटर। उसके साथ आपको मिलेगा 6GB 8GB 120GB 256GB रैम और स्टोरेज वेरिएंट।
UFS 2.2 का स्टोरेज और उसके साथ 5000 mAh बैटरी, 30 वाट का चार्जर, डुअल स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी एटमॉस। तो अभी देखिए वीडियो के आखिर में अगर मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूं तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, अभी करेंटली 25000 रुपए पे Realme 9 Pro Plus एकदम परफेक्ट वाला स्मार्टफोन है। तो ये जो Motorola Edge 30 Fusion, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि वो Realme को स्मार्टफोन से बेटर ऑप्शन होगा, लेकिन हां उस प्राइस पॉइंट में टॉप 2 या फिर टॉप 3 स्मार्टफोन में से एक डिवाइस तो डेफिनेटली होगा, मतलब आपके लिए एक्चुअली ऐसा चॉइस होगा। अगर आपको उस प्राइस पॉइंट में Realme का फोन नहीं चाहिए या फिर Xiaomi का फोन नहीं चाहिए तो डेफिनेटली आपके लिए Motorola Edge 30 Fusion ही टॉप स्मार्टफोन आपके लिए होगा। तो अभी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि जो Motorola Edge 30 Fusion जो लॉन्च होने वाला है वही 25000 के आसपास, तो क्या आप इस प्राइस पॉइंट में इसे लेना चाहेंगे या फिर सेम प्राइस पॉइंट में आपको जो Xiaomi की तरफ से जैसे कि Xiaomi 11i या फिर Realme 9 Pro Plus जैसा जो स्मार्टफोन अवेलेबल है आप उसे लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।